सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राफेल डील पर सरकार को क्लीन चिट देने के अपने फैसले पर पुनर्विचार की मांग कर रही सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। ये याचिकाएं पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और कार्यकर्ता वकील प्रशांत भूषण समेत कुछ लोगों ने दाखिल की थी। इनमें पिछले साल के 14 दिसंबर के उस फैसले पर पुनर्विचार की मांग की गई थी, जिसमें फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट से 36 लड़ाकू विमान खरीदने के केंद्र के राफेल सौदे को क्लीन चिट दी गई थी। अब जिस तरह से यहां पर राहत केंद्र सरकार को मिली है, अब कहीं ना कहीं राहुल गांधी को इस याचिकाओं को खारिज करते हुए अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई है कि राजनीति को कोर्ट में ना घसीटा जाए। हालांकि माफीनामा कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। देखिए, कोर्ट ने आप अगर इसका पूरा प्रकरण समझें तो बिल्कुल साफ जाहिर है कि कोर्ट ने कहा है कि ये गलत किया है, ये कंटेमनर है, कंटेमनर शब्द इस्तेमाल किया, यानी इन्होंने कंटेम्प्ट किया, ऐसा कोर्ट ने माना है। लेकिन तीन बार बदल बदल के तीन बार माफीनामा देना पड़ा, आपको याद है। तो माफीनामे की नज़र से उन्होंने कहा है कि बेहतर जो सेंस है वो प्रिवेल करेगी, यानी थोड़ा सद्बुद्धि से ये काम करेंगे आने वाले समय में। इस हिदायत के साथ इनको छोड़ा है। कांग्रेस पार्टी सदैव से कहती रही है कि ऐसे मसले को न्यायालय पे छोड़ देना चाहिए, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सबने माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले को माना है। इससे सीख मिलनी चाहिए आरएसएस और भाजपा को कि जो अदालत का फैसला उसको मानना चाहिए। सबने राम मंदिर का फैसला मान लिया तो शबरीमाला का भी मान लेना चाहिए। राहुल गांधी के कंटेंप्ट के विषय में ये बात स्पष्ट है, जो हमने हलफनामे में भी कही थी कि राजनीतिक अभियान के गर्मागर्मी के दौरान कुछ ऐसे शब्द और वक्तव्य निकल आते हैं जिनका उद्देश्य, जिनका इंटेंशन किसी रूप से न्यायालय या न्यायपालिका की अवमानना करना नहीं है। और मुझे इस बात का हर्ष है कि हमारे एफिडेविट, विशेष रूप से दूसरे एफिडेविट को नोट करते हुए कोर्ट ने श्री राहुल गांधी को कंटेम्प्ट से, अवमानना से डिस्चार्ज किया है।